जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। इससे पहले मैंने करीब करीब इसके 22 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? सुगा जिसे कहते हैं ट्राइटियम। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में होता है? क्लोरीन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त तो होता है, तो दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त तो होता है लाल फास्फोरस। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बृहत कक्षा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर विलयन का रंग हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है? सुगा जैसे कि इसका जो रंग है ये हो जाता है हरा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चीनी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? सांद्र SCI। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा ब्लैक लेट है? ग्रेफाइट। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? CO2। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन जो डी है आपका ग्रेफाइट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित CO2 गैस है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है मोरफीन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है? SiC। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओलियम है तो ओलियम क्या है? सद्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सोना किस अंग में घुल जाता है? सोना किस अंग में घुल जाता है? अंग राज्य में घुल जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में से कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा रसायन है? CFC। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7 ये क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है ओलियम। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा हेलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जीनॉन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में होता है, दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है पीट, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक परावैगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। O3, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सामान्य किस्म का कोयला है, सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस, बिटुमिनस, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च कोटि का कोयला होता है, तो उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, सो गाइस ये कहलाता है ऑयल ऑफ ब्रिटॉल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, SO2, डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, रेडॉन, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है, सामान्यतः उसे भरा जाता है ऑर्गन गैस से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंधक सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है, S8, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है, ऑक्सीजन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस गैस को प्राणवायु यानी कि लाइफ एयर कहते हैं, ऑक्सीजन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, नाइट्रोजन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी जल का अणु भार है, भारी जल का अणु भार है 20, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय होते हैं, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्योजेनिक द्रव है, कार्योजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CO2, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है विटुमिना से, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इट्रियम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, D2O, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, CaCO3 को गर्म करने पर कौन सा अपघटित पदार्थ प्राप्त होता है, कौन सा अपघटित पदार्थ है जो कि प्राप्त होता है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका CaO, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारी जल है एक प्रकार का मंदक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे पहले मैंने इसे करीब करीब 22 से 23 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।